तो नमस्कार जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के सामने जो है डीएलएड काउंसलिंग से रिलेटेड जो है आप लोग के लिए जो वीडियो जो मैं आज बनाया हूं ना, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो बच्चे जो है इस बार डीएलएड एग्जाम दिए हैं, जिनमें से किसी बच्चे का 40 अंक आया है, किसी बच्चे का 50 अंक आया है, किसी बच्चे का 60 अंक आया है, तो किसी बच्चे का 70 अंक आया है, और बच्चे बहुत परेशान है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जो है मैं समाधान ढूंढ कर लाया हूं। समाधान आपका बिल्कुल क्लियर होगा कि 40 नंबर में क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, या 50 अंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, वही 70 अंक पे जो है आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इतना मार्क्स आपका आया है, लेकिन आप जो है काउंसलिंग कराने के लिए जो है बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग काउंसलिंग कराने के लिए रेडी हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिएगा तो टोटल जो मन में भर्म है वो सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा। तो काउंसलिंग कब से होगा इसके बारे में जो है आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। काउंसलिंग फी जो है 500 रुपये है, और लगभग जो है 20 विद्यालय को जो है आपको चयन करना है। तो 20 विद्यालय आपको उसमें डालिएगा काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग में 20 विद्यालय में तो फॉर्म आपको अप्लाई करना है, लेकिन उसमें से एक कॉलेज में जो है आपको काउंसलिंग कराना है, जिस कॉलेज में जो है आपका क्या होगा, नाम आएगा। तो मैं टोटल डिटेल्स जो है आज आपको बताने वाला हूं, पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम चलेंगे पहले वाली बातों पर ध्यान देते हुए कि जिस बच्चे का जो है कितने अंक आए हैं। तो किसी बच्चे का जो है अंक आया है कितना, तो 40। अगर 40 अंक जिसका आया है, 50 अंक जिसका आया है, 60 अंक आया है, 70 अंक आया है, 80 आया है, 90 आया है, 100 आया है, मैं 40 से लेकर 100 तक जो है अंक के बारे में पहले आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग जो है कैटेगरी आपकी होगी, जैसे जनरल होगा, ठीक, बीसी होगा, ईबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा, तो इन सभी के लिए जो है इस बार लगभग जो है 3.5 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे। 3,50,000 बच्चे जो है एग्जाम दिए थे। तो कटअप तो आपने देख ही लिया होगा कि कटअप जो है बिल्कुल हाई था। कितना था? तो जनरल के लिए जो है 85 से 90-95 के बीच गया था, इस बार गया है और जाएगा ही, गया है। वही एससी के लिए, बीसी के लिए जो है 80 से जो है 75 अंक, ठीक, ईबीसी के लिए जो है 75 से 70 अंक, वही एससी के लिए जो है हो जाएगा आपका 60 से 55 अंक, और यही जो है 55 से 50 अंक। अब आप यहां मिलाइए पहले बात कि अगर आप जनरल हो, ईबीसी हो या बीसी हो, तो आपके 40 अंक पे जो है आप लोगों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को पूरा क्लियर बता देना चाहता हूं, इसलिए बता देना चाहता हूं कि तरह तरह के वीडियो जो है आप लोगों के सामने अपलोड हो रहे हैं, आप सभी पे क्लिक भी कर रहे हैं, लेकिन जो है अथॉर्टिंग बात जो है कोई जानता नहीं है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है 40 अंक पर नहीं मिलेगा, 50 अंक पर जो है, 50 अंक जिस बच्चे का है, अगर जर्नल है, बीसी है या ईबीसी है, तो उन बच्चों को 50 अंक पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। देखेंगे यहां जो है आप लोगों को 70 से ऊपर जिसका नंबर है, 70 से 100 के बीच में जिसका नंबर है, उसको संभवतः हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल जाए, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट से है उस डिस्ट्रिक्ट में ना मिलकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है। तो आप लोग लगभग जो है 10-15 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को 70 से 80 के बीच में कहीं हो सकता है तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो है आपका हो जाए, नहीं तो सेकंड काउंसलिंग में 100% जो है होने वाला है। और जो अगर बीसी से है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है या जनरल है, तो अगर आपका 70 अंक से ऊपर अंक आया है, नंबर आपका आया है, यानी कि 72 आया हो, 73 आया हो, 74 आया हो, 75 आया हो, ठीक है, तो ही आप फर्स्ट काउंसलिंग जो है अप्लाई करिएगा।
अगर उससे कम नंबर है तो फर्स्ट में जो है आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में जो है आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, अखामोखा जो है आपको 500 रुपया जो है बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद में करना नहीं चाहता हूं, इसलिए जो है 500 रुपया भी सेव करके रखिए। सेकेंड काउंसलिंग का डेट आएगा तो सेकेंड काउंसलिंग में जो है आप जो है फॉर्म को अप्लाई करके सेकेंड काउंसलिंग कराइएगा, ठीक है। नहीं तो तीसरे काउंसलिंग में जो है 100% जो है थर्ड काउंसलिंग में जो है आपका हो जाएगा। तो 1000 रुपए लगभग जो है आपको खर्चा करना है सेकेंड काउंसलिंग के लिए और थर्ड काउंसलिंग के लिए, तब जाके जो है आपका 70 से 100 के बीच में जो है आपका एडमिशन हो सके। नहीं तो थर्ड काउंसलिंग में इधर से नंबर जो है जुड़ सकता है। तो जो बच्चा का जो है गवर्नमेंट कॉलेज का सपना देखा है कि 40, 50 और 60 नंबर पे ले, उनका होने वाला बिल्कुल ही नहीं है, मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ। 70 से लेकर 100 के बीच में जिस बच्चे का नंबर होगा उसी बच्चे का जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।